जैसे कि आपको पता है ICC वर्ल्ड कप चालू हो चुका है 2023 का। दोस्तों आज का जो मैच है इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। साथ ही दोस्तों टीम इंडिया के लिए तड़कती भड़कती न्यूज संबंध निकल कर सामने आ रही है। तड़कती भड़कती न्यूज सुनने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मैच में बहुत ही बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराए, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है टीम इंडिया और बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मैच चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है। जैसे कि दोस्तों स्टेडियम से निकल कर एक तड़कती फड़कती न्यूज सामने आ रही है, जैसे कि आप भी सुनकर झूम उठ जाओगे। चलिए दोस्तों तड़कती फड़कती न्यूज क्या है जानते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है शुभ मंगल को एक वायरल फीवर हो गया था और वो मिस्ड आउट थे। उनकी जगह पर ईशान किशन को ओपन करने का मौका दिया गया है, वो भी पहले मुकाबले में। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा दी मैन इन फॉर्म नजर आ रहे हैं। उनके सपोर्ट चाहिए सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप की, जैसे कि ईशान किशन, विराट कोहली, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, और उनके साथ ही इंडियन बॉलर को भी साथ देना है, जैसे कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी एंड रविचंद्रन अश्विन। साथ ही ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में कप्तान पैट कमिंस जो कि एक अच्छे गेंदबाज है, और उनके साथ बॉलिंग लाइनअप में मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड एंड एडम जंपा, सभी प्लेयर उनके साथ में बॉलिंग लाइनअप में रहेंगे। और साथ ही बात करें ऑस्ट्रेलिया टीम के बैटिंग लाइनअप के बारे में तो डेविड वार्नर, मानस लबुचेने, स्टीव स्मिथ, ये सभी प्लेयर भी अपने फॉर्म में है। दोस्तों आपको बता दें मैच के बारे में, तो जैसे कि चेन्नई के मैदान पर गेंदबाजी स्विंग नहीं हो रही थी, वैसे में दोनों ही इंडियन बॉलर्स को तकलीफ हो रही थी बॉलिंग डालने के लिए। और जैसे ही तीसरे ओवर बुमराह डाल रहे थे तभी उन्होंने अपना जलवा दिखाया और अपने साथ अपना टीम के अभी पहली विकेट ले ली। बुमराह ने तीसरे ओवर में ही एक विकेट दिला दिया अपने टीम को ICC वर्ल्ड कप 2023 के अंदर। और वो गेंद की बात करें तो एक हार्ड लेंथ की गेंद थी, उसपे मिचेल मार चकमा खा गए और कैच दे बैठे स्लीपर के हाथ में, जो कि विराट कोहली ने कैच पकड़ा। और ऐसे ही खतरनाक गेंदबाजी टीम इंडिया ने करके ऑस्ट्रेलिया टीम की धज्जियां उड़ा कर रख दी, उनको 199 पे ऑल आउट कर दिया। और उसके साथ ही लास्ट ओवर जो सिराज डाल रहे थे उस गेंद पे मिचेल स्टार्क की मिडल स्टंप ही उड़ गई। और साथ ही आप लोगों को क्या लगता है यहाँ से टीम इंडिया चेस कर पाएगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए।